हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है यहाँ पे ऑल न्यू बजाज प्लेटिना 110 कंफर्ट का बिल्कुल ही न्यू कलर वेरिएंट, जो कि अभी फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छे पेंट स्कीम और यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। तो ये 110 में फ्रेंड्स कम्फर्ट मॉडल है, इसमें आपको ABS मॉडल भी मिल जाता है, बट ये जो है ये फिलहाल में भी हमारे पास कम्फर्ट मॉडल है। तो इसका डिटेल रिव्यू आपको हम देने वाले हैं, ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह सब बता देंगे, क्या क्या चेंजेस आया है वो सब भी बता देंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो ये अभी आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से बाइक को, अगर हम सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो लगभग में 80 से 82,000 रुपीज़ के आसपास में ऑन रोड आपको मिल जाएगा, 80 से 82,000 रुपये तक में। और काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स के साथ फ्रेंड्स ये आया है। आपको फ्रेंड्स अगर हम इंडिकेटर्स दिखाना चाहें तो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मिलता है। फ्रंट में कंपनी यहाँ पे LED में आपको DRLs प्रोवाइड करती है, आप देख पा रहे होंगे अभी डे है तो उतना अच्छा से विजिबल नहीं है, बट LED में आपको यहाँ DRLs मिल जाता है। हेलोजन में कंपनी लाइट्स प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट जो है वो लगाने का स्पेस मिल जाता है। और फ्रंट का जो फेंडर है वो फ्रेंड्स आपको ग्लॉसी में मिलता है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं कि मैट टाइप का ग्लॉसी कलर का यूज़ किया गया है। स्टिकर्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, वाइट में अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स आपको मिलता है, जिसमें कि कंपनी रिफ्लेक्टर्स आपको प्रोवाइड कर देती है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रेकिंग का, तो फ्रेंड्स इसमें आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है, बट यहाँ पे ब्रांड जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अगर हम इस साइड से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अभी आप लेफ्ट हैंड साइड से बाइक को, तो लेफ्ट हैंड साइड से कुछ ऐसा लुक्स आता है। प्लेटिना की बैजिंग मिल जाती है, इसमें आपको 115 cc का जो है वो इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, 8.44 BHP का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9 Nm के अप्रॉक्स में। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके टॉप स्पीड के बारे में, तो ये आपको लगभग 90 किलोमीटर्स तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड कर देता है। इसमें कंपनी आपको 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप मिल जाता है, हिल एंड टो शिफ्टर के साथ ये आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं साइड लुक का, तो साइड लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, साड़ी गार्ड वगैरह लगा के मिल जाएगा, अभी लगा हुआ नहीं है बट इसमें आपको लगा के मिल जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स इसके फुटपैक्स का, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में यहाँ पे आपको चौड़े टाइप के फुटपैक्स कंपनी दे रही है पिलियन के लिए, जो कि एक काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल रहता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है कम्फर्ट। सीट की बात करते हैं तो सीट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको सीट मिलता है, कम्फर्टेक की बैजिंग मिल जाती है और सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो कंफर्ट के मामले में इसमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलने वाला है 110 सीसी सेगमेंट के हिसाब से। अगर पीछे की हम फ्रेंड्स यहाँ पे टायर की बात करते हैं, तो वो भी फ्रेंड्स आपको वाइट कलर में ही कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे एक फ्रेंड्स आपको मेड गार्ड जो है वो लगा हुआ है, और इसमें कवर्ड में कंपनी आपको चेन प्रोवाइड कर देती है। ओपन चेन नहीं मिलता है, पीछे का जो सॉकर है वो एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर 110 कम्फर्ट की आपको बैजिंग मिल जाती है और कुछ ऐसे लुक्स में ये आता है। अगर मीटर वगैरह की हम बात करते हैं तो वो सब भी अभी आपको हम दिखा देंगे इसका। यहाँ पे आप टेल लाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में पीछे से। तो बाइक लुक कुछ ऐसा आता है फ्रेंड्स इस बाइक का। एग्जॉस्ट में आपको यहाँ पे पूरा ही क्रोम प्लेटेड एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करती है। और पीछे का जो टायर है वो 80x100 का आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 80x100 का 17 inch का कंपनी टायर प्रोवाइड कर देती है। तो ये हो गया इसका टायर्स का बात। और अगर हम बात करते हैं इंजन का, तो इंजन आपको मैंने पहले ही बता दिया, किक आपको मिल जाता है इस साइड से, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो कंपनी आपको किक यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। और टैंक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पे आपको मतलब आप बोल सकते हैं कि पतला सा टैंक मिलता है, सेगमेंट के हिसाब से ऐसे ही टैंक आपको मिलता है। मीटर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा बात है। 110 cc में कंपनी गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम शो कर देता है। ओडोमीटर आपको मिल जाता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स को, आप देख सकते हैं। ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं तो यहाँ न्यूट्रल का लाइट, इंजन माल फंक्शन का लाइट मिलता है, मैं ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से जो है वो ऑन होता है और एक स्वाइप भी मारता है ये जो है। तो ये सब फ्रेंड्स एक मतलब आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब फील आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप दूसरी बाइक्स में देखते हैं तो ये सब जो स्वाइप वगैरह वाला फीचर होता है, ये जल्दी इस सेगमेंट में कंपनीज़ नहीं प्रोवाइड करती है। स्विचेस की बात करते हैं तो स्विचेस आप देख सकते हैं, हाई बीम लो बीम यहाँ पे इंडिकेटर्स का आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है। हॉर्न मैं सुना देता हूँ, तो कम्यूटर टाइप का ही फ्रेंड्स बाइक है, तो हॉर्न भी उसी टाइप का मिलेगा। यहाँ DRLs का स्विच आपको मिल जाता है। और ये फ्रेंड्स कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ABS इसमें आपको नहीं मिलता है इस मॉडल में, कॉम्बी ब्रेकिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो फ्रंट ब्रेक अगर आप यूज़ करते हैं तो रेयर का भी जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर यूज़ हो जाता है, सिंगल में कंपनी आपको हॉर्न प्रोवाइड कर देती है।
तो मीटर वगैरह का भी जो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ओवरऑल में लुक्स की बात कर लेते हैं तो लुक्स मैंने आपको दिखाई दिया, प्राइसिंग बता दिया, ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं आया है। टैंक पैड आपको मिल जाता है और आप एक बार मीटर फिर से देख लीजिए। तो एक ये फ्रेंड्स इसका छोटा सा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिव्यू था। मैं इंडिकेटर्स जो है वो जला के दिखा देता हूँ, अच्छे डिज़ाइन का इंडिकेटर्स भी आपको मिल रहा है, तो ये आप देख लीजिए। फिलहाल मैं आज के वीडियो में फ्रेंड्स एक छोटा सा वॉकराउंड हम लेकर आए थे आपके लिए। अगर आपको इस बाइक को लेना है तो आप बैद्यनाथ बजाज में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बाइक मिल जाएगी। प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रीडी एरिया में है शोरूम, आप चाहें तो शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।